इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा टेस्टिंग से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस स्तर पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमें रैपिड टेस्टिंग के साथ साथ मास टेस्टिंग को राइट स्ट्रेटजी के साथ करने की जरूरत है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें भी आजकल 5 से 6 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, पर मास लेवल पर स्क्रीनिंग के लिए रैपिड टेस्ट ही ज्यादा कारगर है और एक बेहतर विकल्प है, जिसके द्वारा क्विक रिजल्ट मिलते हैं। इस बीच ज्यादा भरोसेमंद आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एक समान रेट रखने की याचिका पर केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा है। संक्रमण की दर को रोकने में या कम करने में टेस्ट की सेंसिटिविटी से ज्यादा उसका बार बार सही समय पर करा जाना ज्यादा उपयोगी है और क्विक रिजल्ट आना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए रैपिड टेस्टिंग इंडिया जैसी कंट्री में कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण ज्यादा कारगर है। अगर इसकी कीमत कम होती है तो फिर एंटीजन टेस्ट के बाद पुख्ता रिपोर्ट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट का भी ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।